शाहबाद इलाके में जो दिल्ली राज्य में आता है और हर रोज एक महीना 15 दिन के आड़ में कोई मुस्लिम लड़का उठता है और एक लड़की को खुले आम जहां पर चाकू मार के निकल जाता है और आज वो फरार है। आज ये वीडियो जब हम टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, खुले आम सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में वो आ रहा है कितनी बेरहमी से वो लड़की ने लड़की को उसने मारा है, साहिल लड़के ने। मुझे बताइए, इसके बाद भी हम लोगों को न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? हम लोगों को अब ये होने के बाद कैंडल मार्च निकलेगा, कहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पे निकलेंगे, कैंडल जलाएंगे, बस इतना ही हमारे देश में रह गया है। लड़कियां इतनी ही सेफ हमारे देश में रह गई है। न्याय व्यवस्था, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने के बाद भी हम लोगों को जब वीडियो देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि इतने चाकू मारने के बाद भी हम लोगों को कोर्ट में जाना है और कोर्ट में उनके परिवार को या हम जैसे लोगों को ये इंतजार करना है कि खुलेआम वीडियो प्रसारण रहने के बावजूद हम लोगों को 10 साल उसके इंतजार करना है कि उसको कब सजा मिलेगी। मैं एक सवाल जरूर पूछती हूँ, क्योंकि एक माँ होने के नाते, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला होने के नाते ये बहुत बड़ी पीड़ा का विषय हमारे लिए है कि हम लोग मेंबर होने के बाद भी कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो मैं इतनी विनंती करूंगी न्याय व्यवस्था को कि जब खुलेआम जब आपके सामने इतना बड़ा प्रसारण है कि कितनी बुरी तरीके से वो लड़की को मारा गया है, तो उसको इमीडिएट सजा होनी चाहिए और फांसी पे चढ़ाना चाहिए, ताकि इस देश की हर महिला हर लड़की को ये सुरक्षा महसूस हो कि हम जिस देश में रहते हैं वहां पर हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। नहीं तो 10 साल उनके परिवार के चप्पल टूट जाएंगे, चप्पल घस जाएंगे, पर उन्हें 10 साल तक ये इंतजार करना पड़ेगा कि वो साहिल लड़के को कब जाके सजा मिलेगी। मैं विनंती करूंगी और मैं पार्लियामेंट में भी ये आवाज जरूर उठाऊंगी कि हर बार जब ये होता है तो हम लोगों को आकर अपने विचार रखने पड़ते हैं, हम लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि इस लड़की के साथ ये हुआ है, इतने चाकू बेरहमी से मारे गए, पत्थर उस पे मारे गए, इतनी बेरहमी से गली में परिसर में उसे मारा गया है और उसके बाद जाके 10 साल हमें फिर केस लड़ना है। तो मैं विनंती करूंगी न्याय व्यवस्था को भी कि किसी की भी बेटी के साथ अगर ऐसा होता है, खुलेआम आपके पास विजुअल रहते हैं तो कोई एडवोकेट नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा फैसला होना चाहिए। उसका इंतजार हमारा देश और हमारी बेटियां कर रही हैं, क्योंकि ये देखकर एक माँ होने के नाते और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते, रिप्रेजेंट करने वाली होने के नाते, दिल को बहुत बड़ी वेदना और बहुत बड़ा दुख हो रहा है आज।